चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 7 दिया गया है, sec 65 प्लस थीटा माइनस cosec 25 माइनस थीटा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, tan 21 डिग्री इंटू tan 69 डिग्री tan 60 डिग्री। यहाँ पे क्या करना है हमें कि वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या दिया है, जो एक्सप्रेशन दिया गया इसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ये जो एक्सप्रेशन दिया गया इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया हमें, sec 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस cosec 25 डिग्री माइनस थीटा, है ना। ये दिया गया हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा जो आपको बताया गया है रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में पहले चेंज कर लेंगे, चाहे sec को चाहे cosec को। तो यहाँ देखिए जो दिया गया sec 65 डिग्री प्लस थीटा, अब ये जो भी sec थीटा इसको हम 65 डिग्री प्लस थीटा को क्या थीटा मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कितने यहाँ पे 90 में से हम क्या माइनस कर दें कि हमें 65 डिग्री प्लस थीटा मिल जाए। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अगर हम दोनों एंगल देखिए, ये हम ले रहे हैं यहाँ पे एंगल कितना दिया गया है 65 डिग्री प्लस थीटा। देखिए 65 डिग्री प्लस थीटा यहाँ एंगल दिया गया, यहाँ पे एंगल क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है 25 डिग्री प्लस थीटा, 25 डिग्री माइनस थीटा सॉरी। यहाँ पे एंगल क्या दिया है 65 डिग्री प्लस थीटा और यहाँ पे एंगल क्या दिया गया 25 डिग्री माइनस थीटा। तो इन दोनों को अगर हम सम करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ देखिए प्लस लगा दिया हमने, दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, इसको इसको ऐड करेंगे तो देखते हैं 90 सम आता है कि नहीं। यहाँ देखिए प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री यानी आ जाएगा कितना 90 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल्स क्या है 65 डिग्री प्लस थीटा और 25 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि इनका सम 90 डिग्री आता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो इनको हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ देखिए किसी एक रेशियो को चाहे सेक वाले चाहे कोसेक वाले को हम किसी एक को चेंज कर ले रहे हैं। चलिए हम सेक को चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ हो जाएगा देखिए सेक। अब यहाँ पे हम यहाँ पे 90 में से क्या माइनस कर दें कि हमें 65 डिग्री प्लस थीटा मिल जाए। तो दोनों क्योंकि ये एंगल 65 डिग्री प्लस थीटा और 25 डिग्री माइनस थीटा दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। यानी अगर हम 90 में से 90 डिग्री में से हम माइनस कर दें क्या ये दूसरा वाला यानी कि 25 डिग्री माइनस थीटा इसे माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 65 डिग्री प्लस थीटा, है ना। अब 90 माइनस 25 माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 65 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा। बाकी दूसरा वाला जो रेशियो है माइनस कोसेक इसको हम लिख देंगे 25 डिग्री माइनस थीटा, 25 डिग्री माइनस थीटा इसको एज इट इज लिख ले रहे हैं। चलिए अब इसके बाद यहाँ देखिए सेक 90 माइनस थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो आपको पता ही किसमें चेंज होता है, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा। हम लिख लेंगे sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, तो हो जाएगा cosec थीटा, थीटा कितना है 25 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया cosec थीटा। आगे कितना लिखा है माइनस cosec 25 डिग्री माइनस थीटा, एज इट इज लिख लिया जैसे लिखा था। अब यहाँ देखिए cosec 25 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे भी है माइनस cosec 25 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा यानी आ जाएगा जीरो, कितना आ गया जीरो आ गया, ठीक है ऐसे करना है, ठीक यानी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में लिख के कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया ना क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, चलिए ये दिया गया tan 21 डिग्री tan 69 डिग्री tan 60 डिग्री tan 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर देखिए tan 29 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, यहां इन दोनों की बात करें, देखिए tan 21 डिग्री tan 69 डिग्री, तो 21 और 69 क्या है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि 21 में अगर 69 प्लस करेंगे कितना आएगा 90 आएगा, तो यानी tan 21 जो है यहां पर tan तो हमने लिख लिया, 21 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 21 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 69 डिग्री, बाकी tan 69 डिग्री एज इट इज लिख ले रहे हैं tan 69 डिग्री और tan 60 डिग्री इसको भी एज इट इज लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी यहां आ जाएगा cot 69 डिग्री, cot 69 डिग्री tan 69 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री एज इट इज लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखिए tan 69 डिग्री है तो tan का रेसिप्रोकल सॉरी cot 69 डिग्री, यहां क्या है
कॉट 69 डिग्री है, तो कॉट 69 डिग्री का अगर रेसिप्रोकल हम करें तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टेन 69 डिग्री, है ना। होता है आपको पता होगा कॉट थीटा दिया गया है, कॉट थीटा का हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। क्या कॉट 69 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन 69 डिग्री, 1 अपॉन टेन 69 डिग्री इंटू टेन 69 डिग्री लिखा है, स्क्वायर लिख ले रहे हैं, उसके बाद इंटू टेन 60 डिग्री है, तो वैल्यू टेबल से आपको याद होगा टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री। टेन 60 डिग्री की वैल्यू रूट थ्री, यहाँ देखिए टेन 69 डिग्री यहाँ पे इंटू टेन 69 डिग्री ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना यहाँ आ गया 1 इंटू रूट थ्री, आ गया कितना 1 इंटू रूट थ्री, 1 इंटू रूट थ्री यानी आ गया रूट थ्री, यानी यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना, ठीक है, कर लीजिए।